कहना आपके यहाँ आता है जनतंत्र भी आता है उसको नोटों का लालच देकर महिला को ठगा। लक्ष्मीनगर इलाके में नोटों की गड्डी का लालच देकर पूर्व सैनिक की पत्नी के साथ ठगी का मामला सामने आया है। पूर्वी दिल्ली में ठगी के मामले कम होते हुए दिखाई नहीं दे रहे हैं। ताजा मामला पूर्वी दिल्ली लक्ष्मीनगर का है, जहां दो महिलाओं ने एक महिला से गहने लूट लिए। महिलाओं ने उन्हें लालच दिया और कहा कि उनके पास 2 लाख रुपए नकदी है, अगर वह अपने गहने उन्हें दे दे तो वह बदले में रकम उन्हें दे देगी। नोटों की गड्डी देखकर पीड़िता को लालच आ गया और उन्होंने अपने गहने आरोपी महिला को दे दिए। आरोपी महिला ने एक थैला थमाया और गहने लेकर रफू चक्कर हो गई। जब बाद में महिला ने थैला खोला तो उसमें पत्थर निकला। पीड़ित गायत्री वालिया की शिकायत पर पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है और मामले की जांच शुरू कर दी है। इधर ना मंगल बाजार लगता है तो मैं इनको गई, मतलब आगे मार्केट में नहीं जा रहा, थोड़ी पीछे दुकाने थी तो दो औरतें मेरे पीछे लग गई, कहती आ जाओ बासन पार्क में, चलो पार्क है सामने, तो वह मार्केट तक पहुंचे नहीं, तो कहने लगे ये आप आ जाओ इधर आ जाओ मेरी बात सुनो, बस बोली जाए पता नहीं मेरे को क्या कर दिया, जो मेरे को समझ में नहीं आए, कहती कि चूड़ियां उतार दो। मैं क्यों, कहती ने मेरे ना ये कोई औरत ना 10 लाख लेके आई है ना, तो आपको यहाँ माँ दादा कर लेंगे। मैंने कहा मेरे को पैसे नहीं चाहिए, मेरे पास सब कुछ है, मेरे को पैसे की जरूरत है। नहीं नहीं कहती नहीं चूड़ियां उतार दो, चूड़ियाँ उतार के कहती पर्स में डाल लो। फिर कहती ये मेरे को समझ नहीं आया क्या करना है क्या नहीं, फिर कहती ये कान के भी उतार दो। मैं क्यों, कहती नहीं ऐसे उतार दो, तो कान के भी उतार ले। फिर कहती चलो चलो इधर चलते हैं, इधर चलते हैं, आई ले गई शक्करपुर पार ले गई, मेरे को पार ले गई, कहती आप इधर खड़े हो जाओ। तो हम ना थोड़ा चाय पी के आते, अपनी क्या बोलने लगी, वो निकल गई है, मैं वो भी चलती गई, मैं भी चलती गई, मेरे को पता नहीं क्या कर दिया, मैं बोल ही नहीं सकी कुछ, बस कहती इधर आप खड़े हो जाओ, मैं देखती रही अभी आएंगे चूड़ियाँ भी ले गई हैं, और कान के बेचती 32 ग्राम की चूड़ियाँ, अभी 20 साल से पहनी हुई थी, अंकल की बात कर लेते हैं, 32 ग्राम की तो चूड़ियाँ थी और 8 ग्राम के वो जो कांटे थे और चेन थी, वो 8 ग्राम वो थी। किस तरीके से ठगी की गई खासकर इनके साथ? ये अकेली चली गई, मेरे को समझ नहीं आया, अकेली गई, मैं बड़ी देर तक इंतजार करता, मेरे को शक हो गया कि बड़ी देर तक आई नहीं, तो मेरे को शक हो गया, मैंने कहा क्या हुआ, मैं बाजार में 2 चक्कर काटे, मेरे को कहीं नहीं मिली, मैं सोचा कहाँ गई, मेरे को समझ में आ गया कि कोई ना कोई फ्रॉड हो गया, क्योंकि इतनी देर जाती नहीं है ये, और मेरे सिवा कभी जाती नहीं, वैसे बीमार है ये, तो मैं इसको ज्यादा छोड़ता हूँ, लेकिन मेरे को नहीं पता, मेरे को बताया नहीं, चुपचाप चली गई है। अब मेरे को क्या पता था कि कोई मंगल बाजार में ऐसा हुआ हादसा हो जाएगा। जब ये घर पे आई तो बिल्कुल होश उड़े हुए, और रिक्शे वाला कह रहा जी रास्ता भूल गई है, और उनको दिमाग काम नहीं कर रहा, और वो उनको लेके आया हूँ मैं, ये है साथ में। अच्छा, आप थोड़ा सा अपना बैकग्राउंड बता देंगे, आप कहाँ रहते हैं और आप पहले क्या थे? मैं आर्मी से रिटायर्ड सूबेदार हूँ, आर्मी डेंटल कोर्स से, और ये मैंने मकान 2005 में लिया, आर्मी से रिटायर होकर के मैं यहाँ आया हूँ, और अभी इसी मकान में रह रहा हूँ। वैसे बेसिकली मैं हिमाचल का रहने वाला हूँ। कौन सा एड्रेस लगता है, कहाँ का एड्रेस? ये हाउस नंबर PP10, PP जो है वो यहाँ ब्लॉक है, PP10 नंबर मकान, जे एक्सटेंशन, नियर चर्च, लक्ष्मी नगर, दिल्ली 92। शॉपिंग करने किस लिए गए? अच्छा, शॉपिंग किस लिए करी थी? ये घर का शादी थी, शादी में कुछ छोटी मोटी आइटम लेने गई थी, तो हम ये पास में ही, बिल्कुल ज्यादा दूर नहीं गई, मार्केट नहीं पहुंची है, तो वहीं उनको वो औरतें मिल गई, और उन औरतों ने उसको पकड़ लिया और घेर के ले गई, पता नहीं उनको हिप्नोटाइज कर दिया क्या किया, और इसको कुछ समझ नहीं आया क्या कर रही है। टॉप स्टोरी ब्यूरो के लिए दिल्ली से रवि डालमिया की रिपोर्ट।